हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। क्या होता है मर्चेंट नेवी, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से कॉलेज सिलेक्शन करना है। इसके अलावा बात करेंगे सैलरी के बारे में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी की सैलरी जो कि मैंने थंबनेल में लिखी है 2 लाख रुपए पर मंथ, ये उससे भी ज्यादा हो सकती है, इवन 8 लाख रुपए पर मंथ भी हो सकती है अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप काम करें। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। Hey guys, what's up? मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस YouTube चैनल पे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि मर्चेंट नेवी का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब, बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मर्चेंट नेवी का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, ये सेमी गवर्नमेंट हो सकता है बट ये कोई प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मर्चेंट नेवी का बेसिकली काम क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता। आप देखते होंगे बहुत सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो समुद्री रास्ते से भी होता है। तो ऐसे में जो शिप जो उन सामान को कैरी करके एक देश से दूसरे देश ले जा रहा होता है, वहां पे मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स की जरूरत होती है, मर्चेंट नेवी के जो क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो उन कंपनीज में होती है जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करती है। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है इस फील्ड में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पर्सपेक्टिव के बारे में। अगर बात करें 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज या डिप्लोमा जो आप कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जीपी रेटिंग का डिप्लोमा। उसके अलावा आप डीएनएस का डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। उसके बाद आप कर सकते हैं नियर कोस्टल वॉयज यानी कि एनसीवी का डिप्लोमा आप कर सकते हैं। इसके बाद कमर्शियल डाइविंग का भी एक डिप्लोमा होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। ये डिप्लोमा जो वेरी करता है 3 से 6 महीने के बीच में, इनको करके भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो कोई अप लेवल की या फिर ऑफिसर लेवल की नहीं मिलती। अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन कर सकते हैं, फिटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्वीपर क्लीनर लग सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 12th के बाद आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज को बताने से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ इन कोर्सेज को करने के लिए। तो अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आपके पास जो है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है, और आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है पीसीएम में वो 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकली फिट होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप 12th के बाद जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का, IMU CET का ये एग्जाम होता है जो कि आप दे सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी से एग्रीगेटेड जो भी कॉलेजेस है उनमें आप एडमिशन लेके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि BSc नॉटिकल साइंस हो गया, BE मरीन इंजीनियरिंग हो गया, BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, BE सिविल इंजीनियरिंग हो गया, BSc मरीन कैटरिंग हो गया, मरीन इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं 12th के बाद। तो दोस्तों, ये तो था कुछ कोर्सेज के बारे में जो कि आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसके लिए आप ये अभी तक वीडियो देख रहे हैं। सैलरी दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपकी पोस्ट क्या है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 10th पास करके एक डिप्लोमा करके मर्चेंट नेवी की शिप पे जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी जो जॉब है वो 2-3 लाख रुपए महीना लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास इस केस में एक्सपीरियंस नहीं होगा। वहां पे जो आपकी सैलरी है वो 12,000 से 20,000 के बीच में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। इस केस में दोस्तों आपको खाना पीना वगैरह सब जो है शिप पे मिलेगा, बट आपकी जो बेस सैलरी होगी, जो आपकी टेक अवे सैलरी होगी, वो 12 से 20 हज़ार रुपए के बीच में वैरी करती है। ये जो चीज है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साइड मिलेंगी, या फिर आप एक इंजन साइड में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डेक साइड में ज्वाइन कर सकते हैं। वो जब आप कोर्सेज को पूरा कर लेंगे तो आपके पास चॉइस रहेगी इन 2 साइड में चूज करने के लिए। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंजन साइड की सैलरी। अगर आप ऐसे इंजन कैडेट लगते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 30 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। और जैसे जैसे आपका जो ग्रेड बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी जो है बढ़ती जाती है। जैसे अगर आप 4th ग्रेड इंजीनियरिंग कैडेट के तौर पे लग जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 1.2 लाख से 1.5 लाख पर मंथ पे वेरी करती है। 3rd लेवल इंजीनियरिंग कैडेट की जो सैलरी है वो 1.6 लाख से 2 लाख पर मंथ
हिसाब से जो है वेरी करती है। अगर आप सेकंड लेवल इंजीनियरिंग कैडेट बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ वेरी करती है। अगर आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ वेरी करती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें डेक साइड की सैलरीज के बारे में, तो अगर आप डेक कैडेट इनिशियल लेवल पे लगते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 15 से 25 हजार रुपए के बीच में हो सकती है। अगर आप थर्ड लेवल ऑफिसर बनते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 70 हजार से 1.5 लाख रुपए पर महीना के हिसाब से हो सकती है। अगर आप सेकंड लेवल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 1.6 लाख से 2 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। अगर आप चीफ ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 4 से 6 लाख रुपीस पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स पे चले जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा जितना भी अभी मैंने आपको सैलरी का जो डेटा बताया है ये वेरी भी कर सकता है। तो सैलरी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपका इंटरव्यू कैसे जा रहा है, कौन सी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और किस रैंक पे आप जा रहे हैं। बट मैंने आपको ये जो जनरल ट्रेंड बता दिया है कि जनरल जो सैलरीज होती है वो इसी के बीच में होती है, राइट, थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। तो आई होप दोस्तों सैलरी से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव है आपका क्लियर हुआ होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो सैलरीज होती है वो बहुत हाई होती है किसी भी और सेक्टर से, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर और कोई सेक्टर हो। तो यहाँ सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको आपकी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक वॉयज पे जाते हैं, एक सफर पे जाते हैं, जब आपको शिप में रहना पड़ता है, तो ऐसे में आपको एक लंबा समय जो है शिप में काटना पड़ सकता है। आपको 6 महीना भी रहना पड़ सकता है, 7 महीना भी रहना पड़ सकता है। इवन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो 8-8 महीने जो है शिप पे रहते हैं। तो फैमिली लाइफ आपकी सफर ना हो तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप सोच ले और उसी हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग करें, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। आई होप हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को भी जाके आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपकी हेल्प जरूर होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।